हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता और हेल्दी नाश्ता। इसे आप एक बार हमारे तरीके से बनाएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की शाही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दाल ले ली है, इसको हमने भिगो लिया है 5-6 घंटे और ये देखिए अच्छे तरीके से फूल गया है। इसका हमने पानी निकाल दिया है और इसे हम मिक्सर जार में पीसेंगे। इसका पानी बस हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसे हम ढक्कन लगा के पीस लेंगे। इस तरह से हमने पीस लिया है और ये देखिए हमने थोड़ा सा इसे दरदरा ही पीसा है और इसे हम बाउल में निकाल देंगे। अब इसे हमने बाउल में निकाल दिया है। इसी ही जार में जो मैंने दाल पीसा था उसी जार में ही हम लहसुन हरी मिर्च को भी पीस लेंगे। और ये हमने लहसुन डाल दिया है 8-10 कलियाँ और इसमें हमने हरी मिर्च भी डाल दी है और इसे भी हमने 8-10 हरी मिर्च डाली क्योंकि इसे तीखा बनाना है और इसे भी हम पीस लेंगे। और ये देखिए हमने इसे भी पीस लिया है। अब इसे जो हमने लहसुन और मिर्चा पीसा है वो इसी के अंदर ही हम डाल देंगे। और ये देखिए हमने इसके अंदर डाल के और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी है कलर के लिए और इसे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें सारी चीज़ें को हम मिक्स कर लें ताकि जो नमक है और मिर्च है वो सारे चने की दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए हमने चावल का आटा ले लिया है। ये हमने नाश्ता चावल के आटे से बनाया है और इसे हम पहले छान लेंगे। चावल के आटे को हमने छान लिया है इस तरह से देखिए और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें हम गुनगुने पानी से इसे हमका आटा हम गूंथेंगे। ये थोड़ा सा गर्म पानी हो गया है और इसे हमें अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें क्योंकि हम चम्मच से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था और इसे हम हाथ से करेंगे तो हाथ जल जाएगा। और इसे देखिए हमने मिक्स कर लिया है। पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, अब इसमें हम हाथ लगाएंगे, हाथों से करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है, हाथ जलने लग रहा है और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरह से गूंथ लेंगे और ये देखिए हमने अच्छा सा एक सख्त या सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। आटे को पहले खूब अच्छे तरीके से गूंथ लें ताकि जो उसको रोटियाँ हम बनाएं बड़ी सी वो अच्छे तरीके से बन जाए। और ये हमने एक लोई ले ली है आटे की और इसे भी हम हाथों से इस तरह से गोल गोल करेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। इसमें हमने सूखा आटा लगा लिया है और इसे हमें पतली रोटी की तरह बेल लेना है, ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है। और ये देखिए हम इसे रोटी की तरह ही बेल रहे हैं। बड़ी सी रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमने रोटी बेलने के बाद और गुनगुना पानी से सानने का ये मतलब होता है कि रोटी टूटती नहीं है और अच्छे से रोटी तैयार भी हो जाती है। और ये देखिए हमने चने की दाल ले ली है और ये चने की दाल इसे हम रोटी पे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। पूरी रोटी पे कवर कर देना है चने की दाल और इसकी हमें पतली सी लेयर लगाना है, ज़्यादा मोटी लेयर ना लगाएं। और ये देखिए हमने पूरी रोटी पे फैला दिया है और इसको हम देखिए
इस तरह से चिपटे में कर लेंगे, गोल में भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरह से कर लीजिएगा। और ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसे हम एक साइड पे रखेंगे, इसका एक रोल और तैयार करेंगे। और ये रहा छन्नी, छन्नी में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि वो चिपके ना। और इस तरह से हमने इसे रख दिया है। और दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लेना है, इसमें भी हमें चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला लेना है, उसको हमने चिपटे में किया था। और इसे देखिए हम गोल रोल में तैयार करेंगे। आपको जैसा भी शेप देना हो आप उस तरह से इसमें कर सकते हैं। और ये देखिए गोल तैयार हो गया है। और दोनों को हमने छन्नी पे रख देना है। और ये देखिए हमने इसे भी छन्नी पे रख दिया, एक थोड़ा सा चिपटे में और एक थोड़ा सा गोल में। कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है, उसके ऊपर छन्नी रख दी है, पानी खौलने लगेगा और उसके ऊपर से हमने एक थाली ढक दिया है। और फिर एक हमने ये घोल तैयार किया है, बाउल ले लिया है, उसमें हमने आटा, गेहूं का आटा डाल दिया है 2 चम्मच। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा हमें घोल पतले में बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं। और इसे हमें अच्छी तरीके से घोल लेना है ताकि कोई गुलटियाँ ना हो। और इसे हमने घोल लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे, 2 चम्मच के लगभग हमने इसमें तिल डाल दिया है। और तिल डाल के भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। आपको इस तरह से गोल तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये हमारा गोल रेडी हो गया है। तब तक हम देखते हैं जो हमने कढ़ाई में रखा हुआ था वो अच्छे तरीके से पक गया है। ये हो गया है, हमने इसे 10 मिनट तक रखा था। अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरह से देखिए कट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। सारे को हमने कट कर दिया है और इसे दिखाएंगे कितनी लेयरदार ये नाश्ता तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से हमने वो चपटे वाले काटे थे, अब हमने ये गोल वाले काटे हैं। इसके डिज़ाइन थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, बस इसमें यही अंतर है। देखिए खाने का स्वाद एक जैसा ही है। और ये देखिए कितना टेस्टी और मज़ेदार। और ये बिना तिल का नाश्ता आप इसे छान के भी बना सकते हैं। ये घोल में हमने एक एक करके डाल दिया है और इसे हमें इस तरह से आटे वाले घोल में डाला है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। और कढ़ाई हमने गैस चूल्हे पर रख दी है, तेल डाल के इसमें गर्म हो गया है। और एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप इसे छान के भी खा सकते हैं और इसे बॉयल करके भी खा सकते हैं। इसको दोनों तरीके से आप खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाइए। और छानने पे भी बहुत टेस्टी लगता है और उबले हुए में भी बहुत टेस्टी लगता है, मोमो को जैसे। और इसे हमने एक साइड में, दूसरे साइड में पलट दिया है, दोनों साइड में पलट देंगे। और इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे तलेंगे ताकि ये कुरकुरा हो। और इसे हम देखिए निकाल देंगे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये सारे हमने निकाल लिए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। और इस तरह से देखिए इसमें बॉयल भी है और बिना तेल का भी है। आप इसमें दोनों भी खा सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं और इस तरह से बॉयल करके भी खा सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए कितना टेस्टी, खाने में तो बहुत टेस्टी था लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आप बनाइए, कमेंट बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।